पहला पॉइंट ये है कि टेस्ट मैच की भाषा में अगर हम कहें, क्रिकेट की भाषा में कहें, तो टेस्ट मैच के मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को फॉलो ऑन देकर एक पारी और 300 रनों से हराया है। ये इस तरह की जीत मानी जाएगी अगर आप क्रिकेट की भाषा में कहें। और ये तो टेस्ट मैच था, टेस्ट मैच में बीजेपी एक पारी और 300 रन से हारी है, जबकि अगर वनडे की भाषा में हम कहें तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को 10 विकेट से हरा दिया है। दूसरा पॉइंट यह है कि दिल्ली की जनता के लिए राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा, राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर, इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखती। ये मुद्दे दिल्ली की जनता के लिए कोई मायने नहीं रखते। दिल्ली की जनता को ना तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। दिल्ली की जनता अपने जीवन के संघर्ष में ही पूरी तरह से बिजी है, लिप्त है, उसे बाकी के देश से कोई मतलब नहीं। दिल्ली की जनता को बड़े राष्ट्रीय मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, वो उनसे प्रभावित नहीं होती। लेकिन जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। जब हम वोट डालेंगे तो हमें ये देखना है कि सेल कहां पर लगी हुई है। दिल्ली के लोग राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय मुद्दों पर राय तो बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं, लेकिन वोट डालने बाहर नहीं निकलते। यानी दिल्ली की जनता ने आज भी ये साफ कर दिया कि दिल्ली के लोग आलसी है, वो अपना सारा पॉइंट ऑफ व्यू जो देते हैं सब स्मार्टफोन पर देना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर ये सारे लोग एक्सपर्ट हैं। ये सारे लोग तो असल में अगली बार यही चाहेंगे कि चुनाव भी सोशल मीडिया पर ही हो जाए, क्योंकि उसके लिए इन्हें पोलिंग बूथ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दिल्ली की जनता ने आज ये बता दिया कि वो सिर्फ अपने स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं, वो वोट डालने नहीं जाएंगे, बातें बड़ी बड़ी करते रहेंगे। कि दिल्ली वाले अब भी मुफ्त के ऑफर्स देने वाली पार्टी को ही चुनना चाहते हैं, उन्हें सब कुछ मुफ्त में चाहिए। वैसे भी आपने सुना होगा दिल्ली के जो लोग हैं वो हमेशा सेल में खरीदारी करना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरा पैसा नहीं देना चाहते। लेकिन चुनाव के मामले में तो दिल्ली वाले एक अपना बिल ही नहीं चुकाना चाहते। यानी दिल्ली में एक बार फिर फ्री की बिजली, फ्री का पानी और मुफ्त बस यात्रा जैसे मुद्दे हावी रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता को पैसा नहीं देना है। बहुत सारे लोग दिल्ली में शाहीन बाग पर धरना प्रदर्शन के लिए, आपने देखा होगा, पिछले लगभग अब 2 महीनों से बैठे हुए हैं। ये सारे लोग कहते थे कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन आज इन सारे लोगों ने अपने कागज दिखाए हैं और जबरदस्त तरीके से वोटिंग की है। तो आज इनके कागज कहां से आ गए? पहले कहते थे कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन आज इन सब लोगों ने कागज दिखाए हैं। दिल्ली वालों को सब कुछ मुफ्त में चाहिए। दिल्ली वाले काफी आलसी भी हैं और वो मुफ्त में पाने के लिए भी बाहर नहीं निकलना चाहते, जो लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाना नहीं चाहते। जबकि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर पढ़े लिखे लोग भी ज्यादा है, उनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो भी बाकी देश के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। दिल्ली वालों के पास पूरे देश में सबसे ज्यादा कारें हैं, सबसे ज्यादा टू व्हीलर हैं, फिर भी चुनाव बूथ तक नहीं पहुंचे। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में चुनाव सिर्फ सोशल मीडिया पर ही ट्रेंड करता है और लोग सोशल मीडिया पर होने वाले पोल्स में ही हिस्सा लेते रहते हैं, मुद्दों को ट्रेंड कराते रहते हैं, लेकिन असली वोट डालने के लिए नहीं जाते। दिल्ली के लोगों को सुविधाएं सारी चाहिए, वो भी मुफ्त में, लेकिन वोटिंग के दिन दिल्ली वालों के लिए सिर्फ छुट्टी का दिन बनकर रह जाता है। दिल्ली के लोग 30,000 कमाते हैं, यानी दिल्ली के लोगों की आमदनी देश के लोगों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है, फिर भी यहाँ के लोगों को सब कुछ मुफ्त में ही चाहिए। अच्छी आमदनी के बावजूद दिल्ली के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुफ्त में चाहिए। फिलहाल दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, 20,000 लीटर तक पानी भी लोगों को फ्री में मिलता है और महिलाओं के लिए बसों में यात्रा बिल्कुल मुफ्त है। दिल्ली वाले ये जो कुछ मुफ्त में मिल रहा है इसे तो बिल्कुल अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। अब उनकी कोशिश ये है कि बाकी चीजें भी मुफ्त में ही आ जाए। इसके लिए उन्हें बाकी के देश से कोई मतलब नहीं है, उन्हें हिंदुस्तान पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, कश्मीर से कोई मतलब नहीं, राम मंदिर से कोई मतलब नहीं, और कोई राष्ट्रीय। ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा शिकायतें करते हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा सुविधाएं मुफ्त में चाहिए। इसी वर्ग के लोग अपने घर में हर फंक्शन और पार्टी में सिर्फ राजनीति की चर्चा करते हैं, लेकिन जब बारी वोट देने की आती है तो ये वर्ग पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा होता है। ये सारे लोग राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी राय तो जबरदस्त तरीके से रखते हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, ये सारे लोग एक्सपर्ट हैं, लेकिन वोट डालने नहीं जाते। यानी दिल्ली की जनता ने ये बता दिया है कि दिल्ली के लोग आलसी हैं और वो सिर्फ अपने स्मार्टफोन के जरिए ही अपनी बातें कहना चाहते हैं, बाहर निकलकर इस तरीके से वोट डालकर नहीं कहना चाहते। मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग के ज्यादातर लोगों के लिए वोटिंग का दिन सिर्फ एक छुट्टी का दिन होता है और इस दिन सिर्फ इस वर्ग के लोग बहुत कम संख्या में वोट डालते हैं, लेकिन इस वर्ग के लोग मुफ्त सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं। लेकिन सोचिए अगर किसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दिल्ली आकर ये कह दें कि उनकी पार्टी पीटीआई भी अब दिल्ली के चुनावों में हिस्सा लेगी और उनकी पार्टी लोगों को उनकी जितनी भी सारी ईएमआई है, घर की आपकी ईएमआई है, आपकी गाड़ी की ईएमआई है, कोई और किस्त है, वो सारी वो लोग भर देंगे, तो दिल्ली के लोग क्या इमरान खान को भी जिता देंगे? आज आपको इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि एग्जिट पोल्स के नतीजे देखकर लगता है कि अब इस पर विचार करने का समय निकल चुका है।